नमस्कार, मैं हूं नव्या। आइए जानते हैं क्या नया हो रहा है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में। फेमस रैपर और सिंगर हनी सिंह अक्सर ही अपने गानों और पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। इन दिनों वो अपने नए म्यूजिक एल्बम हनी 3.0 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। वहीं हाल ही में रैपर ने दिलजीत दोसांझ को लेकर खुलासा किया है कि उन्होंने उनके साथ काम किया था। उन्होंने बताया कि उसके लिए उन्हें क्रेडिट नहीं मिला। दरअसल हनी सिंह हाल ही में शहनाज गिल के शो देसी बाई से शहनाज गिल में नजर आए। इस चैट शो के दौरान हनी सिंह ने फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी क्रेडिट के लिए काम नहीं करता, मैं खुद के लिए काम करता हूँ, अपने आप को खुश करने के लिए काम करता हूँ, मैंने किसी और को खुश करने के लिए काम कभी नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि जो भी गाना मुझे पसंद आ गया उसे मैं रिलीज करूंगा और शूट करूंगा। उन्होंने बताया कि शुरुआत में जब मैं साल 2007 में पंजाब शिफ्ट हुआ तो मैंने वहां पर म्यूजिक प्रोड्यूसर और राइटर के तौर पर अपना करियर बनाया था। हनी सिंह ने आगे ये भी बताया कि साल 2007 से साल 2012 तक कई गाने तैयार किए और हिट हुए। उन्होंने दिलजीत को लेकर बात करते हुए कहा कि मैंने दिलजीत के लिए एल्बम बनाया था द नेक्स्ट लेवल। उस एल्बम को डिजाइन करने में ही एक साल का समय लगा, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ खास क्रेडिट नहीं मिला। उन्होंने कहा कि हालांकि मैंने क्रेडिट के लिए काम नहीं किया, क्योंकि अगर मेरे अंदर हुनर है तो आज नहीं तो कल जो हुनर को परखने वाले लोग हैं, जो मौका देने वाले लोग हैं, वो लोग मुझे जरूर बुला लेंगे। ऐसे हालातों में सब्र रखना जरूरी है। आपको बता दें कि हाल ही में हनी सिंह सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में छोटू मोटू गाना गाया था। इसके अलावा हनी सिंह बॉलीवुड में कई बड़े स्टार्स के साथ गाना गा चुके हैं, जिसमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार जैसे आर्टिस्ट शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।